हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि बेसिक ब्लॉक्स एंड फ्लो ग्राफ्स कंपाइनर डिजाइन में क्या होते हैं और इनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज ए बेसिक ब्लॉक तो जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ है ये बेसिक ब्लॉक इज ए सीक्वेंस ऑफ कन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स इन विच फ्लो ऑफ कंट्रोल एंटर्स एट द बिगनिंग एंड नीव्स एट द एंड विदाउट ब्रांचिंग इट मीन्स कि बेसिक ब्लॉक एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसमें कोई भी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है मतलब जितने भी स्टेटमेंट्स हैं बेसिक ब्लॉक में वो सारे के सारे एक सीक्वेंस में एक्जिक्यूट होंगे वन आफ्टर अनादर और उन स्टेटमेंट्स के बीच में किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर हम इस बेसिक ब्लॉक को देखें तो दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स और इन स्टेटमेंट्स को अगर एग्जीक्यूट करेंगे हम तो ये एक के बाद एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे पहले स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट होगा फिर उसके जस्ट बाद स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर थ्री तो तीन तीनों स्टेटमेंट्स सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस मीन्स ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स कंसिस्ट से बेसिक ब्लॉक तो ये हमारा एक बेसिक ब्लॉक क्योंकि तो सारे स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं मगर हम अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे क्या आया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ ए लेस देन बी गो टू फोर इट मींस अगर हम स्टेटमेंट नंबर वन पे हैं तो हमें जंप करना है स्टेटमेंट नंबर फोर पे यानी कि स्टेटमेंट नंबर टू एंड स्टेटमेंट नंबर थ्री को हम स्किप कर रहे हैं इट मीन्स वी आर वायलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स सीक्वेंस क्या है कि स्टेटमेंट नंबर वन के बाद स्टेटमेंट नंबर टू एग्जीक्यूट होना चाहिए Then statement number three and then four. But we are jump from one to four and skipping two and three. Hence violating the sequence of statements. Therefore, these statements doesn't constitute a basic block. Hence, according to definition, this is not a basic block. The basic block basically it is sequence of statements in which all the statements execute one after another.

एनगौरितम है पार्टीशन इन टू बेसिक ब्लॉक्स तो हमें करना क्या है कि वी आर गिवन ए सीक्वेंस ऑफ थ्री एड्रेस कोड हमें थ्री एड्रेस कोड गिवन है और उस थ्री एड्रेस कोड को हमें डिवाइड करना है बेसिक ब्लॉक्स में उसके लिए ये एनगौरिदम है तो इसमें इनपुट क्या होगा ए सीक्वेंस ऑफ थ्री एड्रेस स्टेटमेंट्स तो हम इनपुट देंगे थ्री एड्रेस स्टेटमेंट्स जिसको कि हमें पार्टीशन करना है बेसिक ब्लॉक्स में और आउटपुट क्या मिलेगा ए लिस्ट ऑफ बेसिक ब्लॉक्स विद ईच थ्री एड्रस स्टेटमेंट्स इज एक्जैक्टली वन ब्लॉक तो आउटपुट होगा ए कनेक्शन ऑफ बेसिक ब्लॉग्स ठीक है जिसमें कि जो स्टेटमेंट्स होंगे जो थ्री एड्रेस स्टेटमेंट्स होंगे वो किसी न किसी एक ब्लॉक को बिलोंग कर रहे होंगे तो so ये काम होता कैसे है वॉट इज द प्रोसीजर इज द प्रोसीजर क्या है दिस इज द प्रोसीजर विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स तो फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन सेट ऑफ नीडर्स हमें क्या करना है कि जो थ्री एड्रेस कोर्ट हमें मिला हुआ है उसमें हमें यह पता करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है नीडर्स हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आर नीडर स्टेटमेंट्स अब नीडर स्टेटमेंट क्या होता है द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक एंड नीडर स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो बेसिक ब्लॉक का पहला स्टेटमेंट होता है ठीक है तो दीज आर द फर्स्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द बेसिक लॉक तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए दो रूल्स हैं तीन रूल्स हैं ए बी एंड सी इन तीन रूल्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स लीडर स्टेटमेंट्स हैं तो पहला है द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीडर तो जो पहला स्टेटमेंट होगा जो कोड आपको मिला है उसका जो पहला स्टेटमेंट होगा वो लीडर स्टेटमेंट माना जाएगा दिस इज़ द फर्स्ट रूल

के पहले कंडीशन लिखी हुई है ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये गो टू एग्जीक्यूट होगा दिस इज ए कंडीशनल गो टू एंड दिस इज ए अनकंडीशनल गो टू यहाँ पर आएंगे तो आपको जंप करना ही करना है क्योंकि इस इस गो टू के पहले कोई कंडीशन नहीं है तो दिस इज ए अनकंडीशनल गो टू तो सेकेंड उन्हें कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू का टारगेट है वो स्टेटमेंट भी नीडर कन आएगा अगर यहाँ समझें तो इस गो टू का टारगेट क्या है स्टेटमेंट नंबर फोर और इस गो टू का टारगेट है स्टेटमेंट नंबर फाइव तो जो गो टू का टारगेट होता है वो टारगेट जो स्टेटमेंट है वो भी लीडर कहनाएगा तो इन इन द इस एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो जो स्टेटमेंट नंबर फोर है क्योंकि ये इस गो टू का टारगेट स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट नंबर फोर विल एक्ट एज ए लीडर नीडर थर्ड रूल इज एनी स्टेटमेंट दैट Immediately follows a go to और unconditional go to is a leader तो ये थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर गो टू और अन गो टू स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो भी leader कह रहेगा अगर इससे समझना चाहें इस एग्जाम्पल से तो इस गो टू के बाद जो अगला स्टेटमेंट है वो क्या है स्टेटमेंट नंबर टू टी वन इज इकोन टू जीरो तो टी वन इज इक्वन टू जीरो मतलब स्टेटमेंट नंबर टू इज एनसो है नीडर स्टेटमेंट क्योंकि सी रून कह रहा है कि जो गो टू के जस्ट बाद स्टेटमेंट होगा वो भी नीडर कह जाएगा तो दिस तो इस गो टू के बाद ये स्टेटमेंट है तो जो स्टेटमेंट नंबर टू है ये भी नीडर है सेम वे स्टेटमेंट नंबर फोर भी नीडर स्टेटमेंट कहा जाएगा तो दीज आर द थ्री रूल्स ऑन द बेस वी कैन रिटरमाइन द नीडर स्टेटमेंट्स ओके एक बार हमें नीडर स्टेटमेंट मिल गए तो उनका यूज करके हम बेसिक ब्लॉक बना सकते हैं उसके अंदर रूल क्या है फॉर ईच नीडर इट्स बेसिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ द नीडर एंड ऑल स्टेटमेंट्स अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द नेक्स्ट नीडर और द एंड ऑफ द प्रोग्राम ओके तो अगर हमें अब जो नीडर से हमें बेसिक ब्लॉक बनाने हैं तो क्या करेंगे नीडर स्टेटमेंट को देंगे और उस स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नीडर तक जाएंगे तो नीडर स्टेटमेंट और अगले नीडर स्टेटमेंट तक के सारे स्टेटमेंट्स को मिला के हम एक बेसिक ब्लॉक बनाएंगे तो जो बेसिक ब्लॉक बनेगा उसमें नीडर स्टेटमेंट होगा जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और अगले नीडर स्टेटमेंट के पहला स्टेटमेंट तक के सारे स्टेटमेंट्स बेसिक ब्लॉक का हिस्सा होंगे इन दिस वे वी कैन मेक द बेसिक blocks ओके होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट a बेसिक blocks अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ठीक है तो एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एक कोड है जिसका कि थ्री एड्रेस कोड ये लिखा हुआ है दे आर ट्वेल्थ स्टेटमेंट्स इन दिस थ्री एड्रेस कोड ठीक है अब इस थ्री एड्रेस कोड को हमें पाकिशन करना है बेसिक ब्लॉक्स में तो पंद्रह स्टेप है कि हमें लीडर स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर दें रूल ए कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ द लीडर स्टेटमेंट तो जो स्टेटमेंट नंबर वन है आपका दिस इट इज ए लीडर स्टेटमेंट ओके फिर हमें देखना है कि इसमें कितने गो टू स्टेटमेंट चाहते हैं चाहे कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल हो इसमें हम चेक कर रहे हैं तो हमें एक गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस गो टू स्टेटमेंट का टारगेट है स्टेटमेंट नंबर थ्री तो जो टारगेट स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा नीडर स्टेटमेंट होगा तो यहाँ का इस तरीके से स्टेटमेंट नंबर थ्री जो है आपका एक नीडर स्टेटमेंट है ठीक है रू, और तो, रूल नंबर थ्री कहता है कि गो टू अनकंडीशनल गो टू के अगला स्टेटमेंट भी नीडर होगा यहाँ ट्वेंट के बाद थर्टीन स्टेटमेंट नहीं है इसलिए थर्ड रूल अप्लाई नहीं हो रहा है अगर यहाँ पर थर्टीन स्टेटमेंट होता तो वो भी लीडर बनता क्योंकि वो स्टेटमेंट जस्ट अगना नेक्स्ट स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट का तो थर्ड उनक कहता है कि गो टू स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो भी लीडर बनेगा क्योंकि तो यहाँ ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं तो वो कंडीशन यहाँ पे अपनाई नहीं हो रही है तो इन दिस वे वी हैव आइडेंटिफाइड टू लीडर स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट नंबर वन एंड स्टेटमेंट नंबर थ्री नाउ यूजिंग दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द बेसिक ब्लॉक स्टेप नंबर टू है कि बेसिक नॉक किसान बनाएंगे तो नीडर स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे जैसे दिस इज अ फर्स्ट नीडर स्टेटमेंट और हमें अगले स्टेटमेंट नीडर स्टेटमेंट तक हमें जाना है और स्टेटमेंट नंबर स्टार्ट किया और स्टेटमेंट नंबर टू तक दिस टू स्टेटमेंट्स विल फॉर्म ए बेसिक ब्लॉक तो नेक्स्ट नीडर स्टेटमेंट है ये इंक्लूड नहीं होगा बेसिक ब्लॉक में तो दिस अप टू द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट नीडर दे कंस्टिट्यूट द बेसिक ब्लॉक तो स्टेटमेंट नंबर वन स्टेटमेंट नंबर टू फॉर्म है बेसिक नॉक तो दिस इज द वे यू कैन सी दिस इज स्टेटमेंट नंबर वन एंड इस्टेटमेंट नंबर टू दीज आर फॉर्मिंग द बेसिक नॉक तो हम इसे कह रहे हैं बी वन ना अब नेक्स्ट नीडर है आपका थ्री थ्री से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नीडर तक या एंड ऑफ द प्रोग्राम तक या तो नेक्स्ट नीडर मिलेगा या एंड ऑफ द प्रोग्राम मिलेगा तो so, चूँकि इस केस में अगंदा लीडर कोई है ही नहीं सीधे एंड ऑफ द प्रोग्राम तक पहुँच जाए तो स्टेटमेंट नंबर थ्री से लेकर स्टेटमेंट नंबर ट्वेल्थ तक दिस बिन फॉर्म ए वन बेसिक ब्लॉक तो इन दिस वे दिस इज द एर द बेसिक ब्लॉक दिस वी कॉल बी टू तो दिस इज द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक्स फ्रॉम दिस थ्री एड्रेस कोड देर आर टू बेसिक ब्लॉक्स फर्स्ट कंस ऑफ स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू एंड द सेकेंड वन कंसटिंग द स्टेटमेंट नंबर थ्री टू इस्टेटमेंट नंबर ट्वेल्थ तो दिस आर द टू बेसिक ब्लॉक्स ओके तो दिस आर दिस इज़ द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक्स आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द बेसिक ब्लॉक वी हैव टू कंस्ट्रक्ट फ्लोग्राफ ओके तो फ्लोग्राफ क्या है फ्लोग्राफ इज़ ए डायरेक्टेड ग्राफ कंटेनिंग फ्लो ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन फॉर द सेट ऑफ बेसिक ब्लॉक्स तो फ्लोग्राफ जो है ये क्या है एक डायरेक्टेड ग्राफ है इट इज़ ए ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ है और ये क्या हमें बताता है द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन फॉर द बेसिक ब्लॉक्स ये बताता है कि जो बेसिक ब्लॉक्स हैं इनके बीच में फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे हो रहा है फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक बेसिक ब्लॉक में हैं और जब उससे हम एग्जिट करेंगे तो हम नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक कौन सा होगा जिसमें कि हम एंटर करेंगे तो दिस इज़ दिस इंफॉर्मेशन इज़ सोन थ्रू फ्लोग्राफ्स no ठीक no है एक एग्जाम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे हम स्टेट ये हमारा इनिशियल बेसिक ब्लॉक है हम बी वन में आ गए हैं जब बी वन में हम से एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा होगा तो अगर हम इस कोड को देखें कि स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू ये बी वन का हिस्सा है तो स्टेटमेंट नंबर टू के बाद हम सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर हैं स्टेटमेंट नंबर थ्री इन सीक्वेंस इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर टू से हम इस्टेटमेंट नंबर थ्री एग्जिट कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर टू जो है बी वन में है स्टेटमेंट नंबर थ्री बी टू में है इसका मतलब जब हम बी वन से एग्जिट करेंगे तो हमें बी टू में एंटर करना होगा तो दिस इज शोन हेयर कि बी वन से एग्जिट करके हम एंटर कर रहे हैं बी टू में दिस इज द एरो इज शोइंग दैट कि फ्लो इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम बी वन टू बी टू वंस वी हैव एंटर द बी टू एंड देन वेयर वी गो तो यहाँ है इफ़ आई इज लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी गो टू यहाँ पे है बी थ्री यानी कि अगर आई लेस देन ट्वेंटी है तो हमें बी थ्री में जाना है और देस इज द थर्ड था इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन ये है और ये किस ब्लॉक का हिस्सा है वो बी टू का ही हिस्सा है देश इज द थर्ड था इंस्ट्रक्शन इसका मतलब है कि बी टू से जब हम एग्जिट करेंगे तो हमें फिर से बी टू में ही जाना है दिस इज़ द दोन हेयर फ दिस कंडीशन इज़ ट्रू अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ़ आई इज नेक् टू ट्वेंटी गो टू थ्री तो हमें फिर से थ्री में जाना है और अगर फॉन्स होगा तो हमें स्टेटमेंट नंबर थर्टीन पर जाना पड़ेगा क्योंकि तो हम लूप से बाहर आ रहे हैं और हमने और इस्टेटमेंट नंबर थर्टीन अगर एग्जिस्ट करता तो वो एक अगले नॉक का हिस्सा होता है जिससे हम कहते हैं बी थ्री तो दिस वेन एग्जिट इफ द कंडीशन फेंस हम बी टू से एग्जिट करते और अगर कोई नेक्स्ट ब्लॉक होता सपोज बी थ्री तो उसमें हम एंटर कर जाते हैं। तो फ्लोग्राफ फ्लोग्राफ जो है एक डायरेक्टेड ग्राफ है उस ग्राफ में जो ब्लॉक्स होते हैं दे एक्ट एज ए नोड ऑफ द ग्राफ ओके द नोड्स एक्ट एज ए ब्लॉक्स एक्ट एज ए नोड इन द ग्राफ एंड दिस ग्राफ शोज द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कि हम किसी ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं जब एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा होगा जिसमें हमें एंटर करना होगा दिस इज़ वॉट कंट्रोल ऑफ फ्लो इन्फॉर्मेशन ठीक है तो दिस इज़ द फ्लोग्राफ ऑफ दिस थ्री एड्रेस कोड ओके होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नीड डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू